Hello friends, welcome again in my YouTube channel of Biology Concepts. So in my last video I have discussed about the plant physiology overview. So basics I told in that video. So today in this video I am going to tell about how water is moving in a plant from root hairs to leaf. Okay, so we are going to discuss about water movement. So first I want to draw a diagram here. Wait. Yes. So starting from the roots, these are the roots. Suppose these are the roots, and these are the stem, and these are the leaves. I can fill color in this. So suppose this is green color leaf. Okay, so now I'm going to tell you, this is the basic rough diagram I have drawn here. So these are the roots. I can use brown color for the roots, and some root hairs are also present here like this. Okay, so what happens actually, first I want to tell you about the importance या करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट हेयर्स. हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि रूट हेयर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ये हेल्प करती हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होती हैं. इसका मतलब दे आर मेड अप ऑफ वन सेल. मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो. दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि जो सेल वॉल है थिन होती है. रूट हेयर्स जो होते हैं थिन होते हैं एंड दे आर परमिएबल सेल वॉल. दे हैव परमिएबल सेल वॉल. और आपको मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि जो सेल वॉल्स होती हैं वो फुली परमिएबल होती हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है. दे हैव परमिएबल सेल वॉल. ओके, विच अलाउ मूवमेंट, फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ वॉटर. एंड थर्ड पॉइंट यू कैन राइट हियर, देयर इज अ सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड. ओके, सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म विच अलाउज एंट्री ऑफ वॉटर एंड देयर विल बी अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. हालांकि मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के में विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो वो हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. उसके बाद यहाँ पे रूट हेयर के पास जो उसका कंसंट्रेशन होता है सेल सैप का, कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इन रूट हेयर इज ऑलवेज हायर देन द सराउंडिंग वाटर. जो सेल सैप का कंसंट्रेशन होगा रूट हेयर्स में वो सराउंडिंग वाटर के कंपैरिजन हमेशा ज्यादा होगा. इसकी वजह से जो वाटर इनसाइड आ रहा है सॉइल के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब हम लोग ये जानते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करने चल रहे हैं कि क्या एक्चुअली में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाने जा रही हूँ. सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट. ओके, सपोज आई विल राइट फर्स्ट पॉइंट हियर, वाटर इन सॉयल. आप सबको पता है जो सॉयल में वाटर होगा वो यहाँ पे रूट से तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी एरिया में वाटर होगा. वाटर इन सॉयल, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. रूट हेयर्स के थ्रू ये क्या कर रहा है, आ रहा है. उसके बाद ये रूट कॉर्टेक्स तक पहुंचा रहा है रूट हेयर वाटर को. तो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, रूट कॉर्टेक्स को थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं. फिर ये रूट कॉर्टेक्स किसको देंगे वाटर, जाइलम को. दिस इज फोर्थ पॉइंट. आई एम गिविंग यू फ्लो चार्ट. ओके, आफ्टर जाइलम देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर. आपको ये मैं बता दूं कि वॉटर का मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होगा क्योंकि हमें वॉटर को ले जाना है फ्रॉम सॉइल टू लीफ. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर. और लीफ तक क्यों पहुंचा रहे हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब हम वॉटर
लीव्स को देंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी. देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू या वाया जाइलम, यू कैन राइट थ्रू जाइलम. उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू. दीज आर द लीव्स. जब अपवर्ड मूवमेंट हो गया वॉटर का जाइलम के थ्रू, तब उसने लीव्स तक वॉटर को पहुंचा दिया और यहाँ पे डिफ्यूजन होगा. देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा. और आपको पता है डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज भी होगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी ही कहानी थी. अब आपको सिर्फ फ्लो चार्ट से थोड़ा सा मैं फिर से इस पॉइंट को यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि जो भी वॉटर होगा सॉइल का उसको रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे और रूट हेयर वॉटर को रूट कॉर्टेक्स को पहुंचाएंगे और रूट कॉर्टेक्स वो वॉटर जाइलम को देगा. और आपको पता है जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम, और ये अपवर्ड मूवमेंट वॉटर का ट्रांसपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम. जाइलम का काम है वॉटर को मूवमेंट देगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो आप कह सकते हैं जो वॉटर का मूवमेंट होता है प्लांट्स में वो हमेशा होता है यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, वॉटर इज ऑलवेज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस टर्म यूनिडायरेक्शनल. जब एक बार अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा वॉटर का तो वॉटर लीव्स तक पहुंच गया और वहां पे स्टोमेटा के थ्रू एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है डिफ्यूजन. कुछ पॉइंट्स मैं स्टूडेंट्स आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो जितने भी रूट हेयर्स होते हैं उनके पास क्यूटिकल एब्सेंट होता है. आप यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट लिख सकते हैं, रूट हेयर्स दे लैक क्यूटिकल. और क्यूटिकल क्या होता है ये पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा. तो क्यूटिकल एक तरीके का वैक्सी डिपोजिशन है जो कि प्लांट्स में मिलेगा. रूट हेयर्स के पास क्यूटिकल नहीं होगा. दे प्रोवाइड, तो उनका काम क्या है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया. ये लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करने वाले हैं. और आपको पता है कि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है वॉटर से जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है. उसके बाद क्या होगा, पूरे के पूरे जाइलम वेसल्स हैं स्टेम्स में जो कि लीव्स तक वॉटर को पहुंचाएंगे. ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. तो मेरे ख्याल से ये वीडियो इतना ही सफिशियंट है इस टॉपिक के लिए. क्लास 10th लेवल का हम लोग वीडियो बना रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ इस वीडियो सीरीज में. दिस वीडियो सीरीज इज बेसिकली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टडीइंग इन ICSE एंड CBSE बोर्ड. ओके, सो इफ यू फील एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई देयर. एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑनलाइन then you can contact me in comment box also. You can contact me on my contact number. And if you like this video, please hit the like button, share this video with your friends. And thank you friends once again for listening me. I hope we will meet soon. Bye, take care.